हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हो गया। ये देखिए गुवाहाटी स्टेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये जा रहा है इंट्रोडक्शन तो कराओ भाई। और ये जा रहा है, इंट्रोडक्शन बाद में करेगा, पूरा ट्रेन पड़ा हुआ है जाने के लिए। तो जर्नी अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए हमारा नेशनल फ्लैग। और जो वीडियो कर रहे हो मैं हूँ। हाँ, और बाकी ये सब दोस्त है। चलिए आगे चलते हैं। चलता है, सिगरेट पी लेता हूँ। हाँ पी लो पी लो, क्या है सिगरेट कैसे पिएगा, खत्म कर लेता हूँ। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ देखिए सब एक के बाद एक आ रहा है। ये देखिए नेशनल फ्लैग और ये गुवाहाटी स्टेशन देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। देखिए फ्लैग दिखाओ यार। और ये देखिए नेशनल फ्लैग इस तरफ है और ये चारों तरफ देखिए कितना बड़ा बनाया है गुवाहाटी स्टेशन। बहुत अच्छा दिख रहा है गुवाहाटी स्टेशन। और यहाँ पे आज थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ है, तो बारिश के चलते अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा दिख रहा है। आप फ्लैग दिखा दिया मैंने, तो अभी हम लोग गुवाहाटी में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने से पहले वो देखिए अपना ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो 10:50 पर खुलती है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है। शायद ट्रेन भी आ गया क्या? आ गया। चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ, देखिए ब्रांडिंग है अपना। देखिए ये सब जा रहा है बैग लेके, हाथ में हाथ डाल के बैठा हुआ है। इधर कहाँ जा रहे हो भाई? देखिए अपना ट्रेन आ गया। देखिए ट्रेन का अनाउंसमेंट भी चल रहा है और हम सब साथ जा रहे हैं। पीछे में घूम के देख रहा है ये, और देखो कैसा सेल्फी ले रहा है ये। और देखिए आश्रम का कल्चर दिखाई देगा आपको यहाँ पे। ये हमारा ट्रेडिशन, ये सब भी यहाँ पे दिखाई देगा। लिफ्ट का जरूरत नहीं। अरे अरे हेलो हेलो, इधर आ जाओ। अरे नीचे ही तो है, ऊपर नहीं जाना है तो। हेलो यार क्या करे, ऊपर से फिर नीचे आना है क्या? खड़ा है ऊपर चलेगा ये लोग, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा। ये लड़का ऐसा बोल रहा है, ऐसा गाली देने का मन कर रहा है। देखिए लिफ्ट है, अभी लिफ्ट में हम लोग आ गए। ये लिफ्ट चलता है। अच्छा हम लोगों को पता नहीं था। चलिए लिफ्ट आ गया, चलो उधर चलो। ओके ओके हाँ ओके, चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। दिस इज B3। अपना 18 16 17 18 24 এটা 3 4
नहीं 18 तीन नंबर पर देखिए भाई, ये देखिए ये ट्रेन का हाल देख लीजिए भाई, बाथरूम का कंडीशन बहुत ही गंदा है। ये ट्रेन देखिए कैसा है भाई, इतना गंदा ट्रेन भाई। चलो देखो आगे आते ही आगे स्टार्ट हो गया। चलिए हम आगे आ गए अभी, हम लोग स्टेशन में ट्रेन पे बैठ गए अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी ट्रेन में चढ़ गए हैं और हम लोगों ने अपना सीट थोड़ा इधर उधर देख के सेटल करके आराम से बैठ गया। तो काफ़ी रात हो चुकी थी तो इसलिए मैंने अपने माइक का वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत कम करके रखा था ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और इस दौरान चलते हुए जब अपना ट्रेन एग्जैक्टली राइट टाइम पर ही खुल गया, छोड़ दिया वहाँ से, जब ट्रेन राइट टाइम पे छोड़ा तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा वेट करेंगे फिर आराम से सो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक और दोस्त जो आगे न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन से हमारे साथ चढ़ने वाला था, जिसका टिकट पहले से बुक ही था, तो न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन करीब रात को 2 बजे पहुँचने आने वाला था। तो तब तक क्या करता था, थोड़ा वेट करके हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे सोचा था, पर रेस्ट तो कर नहीं पाए। तो आगे क्लिप में देखिए क्यों रेस्ट नहीं कर पाए, वो बार बार ब्लॉक करने के लिए जिद कर रहा था रात को 2 बजे 1 बजे। वो आगे आप एंजॉय कीजिए। देखिए ट्रेन এখন আমাদের ছেড়ে দিয়েছে গুয়াহাটি প্ল্যাটফর্ম থেকে, এত ঠান্ডা, জয় মাতা, রাইট টাইম, জয় মাতা, একদম রাইট টাইমে ট্রেন চললো, একবার হিন্দি একবার বাংলা কেন, পুরো রাইট টাইমে ট্রেন চললো। এটা কি আছে, ইউটিউব ব্লগ देखिए भाई अभी इतना रात को अभी और कुछ दिखाने को है नहीं, तो फिलहाल मैं ब्लॉग बंद करता हूँ, बाकी आप कल सुबह आप लोगों का सब कुछ बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, आपको भी बात करेंगे हम लोग, जब तक विजय हम लोग का नेक्स्ट कॉलिंग नहीं आता, जब आएगा तब हम लोग फिर से बात करेंगे। आज तुम ब्रेकफास्ट कर, देखो भाई ये रात को 2 बजे पाल चलाए, टाइम देखो पाल चला 12 बजे, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे ये मुझे अभी ब्लॉग बनाने के लिए फोर्स कर रहा है डाकू, जो कल मैं करना चाहता था वो आज मुझे करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो अभी रात को अभी रात को 12 बजे आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है, अभी पता है सब लोग देखिए सो रहे हैं, पूरा हम लोग भी है, हम लोग सब एक साथ जा रहे हैं, हम लोग एक साथ जा रहे हैं, तुम सो रहे हो ना किसी और को सोने दे रहे हो, भाई मुझे के भी देख लो भाई सब तरफ सो रहे हैं, और ये जो दादा है ये हम लोग के साथ बहुत फ्रेंडली हो गया है, अभी तो सब बहुत अच्छा है, दादा का साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग बंगाल का भी है, आसाम का सब एक साथ है, हम लोग वी आर ऑल इंडिया, वी आर ऑल इंडिया, बंगाल का आसाम से बंगाल जा रहे हैं, बंगाल से आसाम से आओ, मैं भी हां बंगाली में बात कर लो थोड़ा, हां ভালো লাগছে দাদার সাথে দেখা হলো, দাদা বেঙ্গলের আমি আসামে কিন্তু আমরা সবাই বাঙালি, কিন্তু আমরা অলরেডি উই আর অল ওভার ইন্ডিয়া, আমরা ইন্ডিয়ান, এটা একটা জিনিস জিনিসটা ভালো, মানে আমাদের একটা নেশন, ওয়ান নেশন ওয়ান ফাইট, বাহ খুব সুন্দর, দেব দাদিগার এরা কি করছে যাই না, এটা কোন জায়গা একটা স্টেশন আসছে, রাস্তা কথা প্রতি কথা দেখা বড়া, নেই নেই ও শুনে দেখাতা, फिलहाल अभी के लिए रोक देता है, अभी 2 बजे आएगा मेरा हम लोगों का दूसरा दोस्त, तब आएगा न्यू बंगाल का स्टेशन, तब आगे का वीडियो, न्यू बंगाल स्टेशन है हमने देखा होगा, वी आर बैक एट न्यू बंगाल, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे जाइए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए किस तरह से देख रहे हैं। तो रात बहुत हो चुकी थी तो बाकी रात का वीडियो मैंने नहीं दिया, तो मैं हाई कर रहा हूँ, ट्रेन बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत,
और खान साहब अपना न्यू ब्लॉग के लिए तैयार भी है। देखिए विकास अपने कैमरा में कुछ कर रहा है और ये विजय को क्या हुआ पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आगे आगे चलते हैं, अभी आगे हम एनजीपी स्टेशन में आपको दिखाएंगे जो मेन इंसिडेंस हुआ था। चलिए आगे बढ़ते रहिए। देखिए गुड मॉर्निंग, तो हम लोग फिर से सुबह हो गया। अभी देखिए ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आने जा रहे हैं। देखिए हाथ में कैमरा लगे रेडी हो गया ये बता। और ये अमित जो रात से रात को 2 बजे भी ब्लॉगिंग चाहिए, उसको 4 बजे भी चाहिए सुबह। हम सब एक साथ एक साथ है। और ये देखिए यही वो है जो आए थे रात को, एक आदमी है जो 4 बजे लेके आया और साथ में ऐसा ऐसा सामान लेके आया कि क्या बताऊँ, जीना दुश्वार हो गया मतलब। तो ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये छोटा भाई है, छोटा नहीं लादेन है, उसामा बिन लादेन का भाई है ये। महारत ये जो सुबह सुबह उठ के पत्थर खाता है। अभी आगे का आपको ट्रेन का बाहर का व्यू थोड़ा दिखा रहा है। अगर अभी जाओ थोड़ा दिखा रहे चलो चलो
দেখুন এই দেখুন বেড কভার দেখছেন 450 টাকা দাম আপনি ভালো করে পাওয়া যায় দুটো আছে দুটো আছে দুটো আছে দুটো 450 মাসখান দিয়ে কাট মানে তোমার ইয়ে আছে ডাবল আছে ডাবল আছে পুরো দেখাই দিব মানে ডাবল বেশি না দুইটা বেশি দুইটা আছে দুইটা ডাবল দুইটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল না ডাবল হ্যাঁ ডাবল আছে দুটো ডাবল লাস্ট কত দেওয়া যায় বলেন 400 দেবে বলেন 400 টাকার ওয়ার্থ না এটা হ্যাঁ 400 টাকার না এটা কত নিবে কি সিঙ্গেলই তো সিঙ্গেল বেশি তো এটা কি দাম বলছো হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রে সুবিধা হ্যাঁ হয়ে গেছে ভাই আলো খুলতে লাগবে না আর খুলতে লাগে না আরে না সিঙ্গেল বেশি সিঙ্গেল বেশি এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ऐसा नहीं होता है ब्रो দুটা বেশি কই মানে যদি একটা দে বেশি ডাবল বেশি একটা मालदा टाउन में आ गए। ये चांद दो नंबर प्लेटफॉर्म में दिया है और मैं यहाँ पे खरीदने के लिए कुछ बैठा हूँ। दो नंबर प्लेटफॉर्म में मालदा टाउन में आ गया सियालदा सिलचर स्पेशल ट्रेन। दो नंबर प्लेटफॉर्म में B2 के B3 के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास है। ए दो ये क्या नहीं आपका नहीं है ये नहीं आपका जो बीटी के पास ये पूरा नहीं छोड़ दो अभी भाई क्या चाहिए अभी बोलो देखो देखो देख लिया हो गया हो गया हाँ हाँ
ट्रेन में चला जाती अभी ट्रेन में देखिए माल लगा मेरे मतलब 10-15 मिनट डूबेगा गाड़ी यहाँ पे देखिए मालदा का स्वीट्स है छोटा छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी है और है कैसे खाओ भाव पर रेट है ये लोग स्वीट्स खा रहे हैं ये आपने खाना आ गया ये आपने खाना आ गया नहीं यार ये अपना नहीं है के अच्छा अरे यही पे तो रोटी वगैरह मिल जाता बिक्री करते ना चिकन बिरयानी आगे की पाव जाए देखा जाए B2 है ये तो ये अपना नहीं है नहीं है क्या नहीं है ये खाना खाने के लिए रुका हुआ है भाई कहाँ पे मिल रहा है पता नहीं क्या पता नहीं यहाँ पे क्या मिल रहा है यार बहुत ज़्यादा भीड़ है यार ये सब चीज़ ही है यहाँ पे ऋषभ जी মালদা আগে আমসত্তা পাওয়া যেত এখন কোথায় এগুলো পাওয়া যায় না ও জানেই না ছোট বাচ্চা একটা দোকানদারি করে কিছু ভি মালুম নেই এই আপনার খানা কোন দেখে যায়গা ও মালুম নেই আপনাকে B3 পে হ্যাঁ দেখে চলি ইয়ে পে রুটি সবজি সব মিল রা पानी वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे ये अपना कॉफी है अरे मिल रहा है मिल रहा है आप कुछ भी नहीं मिल रहा है लोगों को खाने के लिए फिर आ गए देखो एक बार ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया मैं फिर आ गया ये लोग फ्रस्ट्रेशन सीख गया भाई आपके नाम भी नीचे चला गया चलिए ये लोग खाना खा के बाहर से खाना नहीं खाया देखिए खाना दिया ये राइस दिया है ये आलू फ्राई है ये सलाद है ये क्या पापड़ चिप्स है ये फिश है फिश डाल दो एक साथ में ये देखो फिश है खाने का क्वालिटी कैसा है है नहीं अभी तक ये एक सब्जी है इसमें आलू सोयाबीन का सब्जी है इसमें चलो चलेगा तो अभी देखते खा के भाई खाना कैसा है आपका अच्छा है अच्छा है ना खा सकते हैं ना हाँ हाँ भैया चलो बढ़िया आप लोग एंजॉय करते हैं खाना हाँ एंजॉय करो आप लोग वेरी गुड नो प्रॉब्लम यार इतना कंटिन्यू करो ना पानी बोतल पानी 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 बोतल कौन के दो एक ग्राउंड क्लियरेंस तो कितना है पता नहीं और ये स्टेशन से तो बाहर लेके आ गया हम लोगों का पापा कन इतना आगे है इसलिए आगे चला गया अरे आ जाओ चलो चलो भाई चलते चलो चलिए भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 रामपुर हट में मिलते हैं सर बाद में मिलेंगे बहुत हेल्प किया हम लोगों को तो बाद में मिलेंगे सर अजी बाबा हाँ फोन को आगे होटल में हाँ
तो देखिए अभी हम रामपुर हाट जंक्शन पहुंचे गेछि এখন আমরা আমাদের গন্তব্য স্থলের দিকে যাচ্ছি গন্তব্য স্থল यस ডেস্টিনেশন আচ্ছা ডেস্টিনেশন তো গন্তব্য স্থলে যাচ্ছি এই বাড়ি যাও হ্যাঁ রাস্তা কি না এদিকে আমরা 20 টাকা পেরা আই এদিকে গাড়ি ব্যবস্থা তো চলো একটা বুঝা নাই रामपुर हाट जंक्शन देखो कांचनजंगा एक्सप्रेस ये ट्रेन है कांचनजंगा नाम है इसका 1734 मतलब तीन घंटा दो घंटा टू आवर्स था टू एंड हाफ आवर्स डिले चलिए टू एंड हाफ आवर्स डिले फिर भी अल्टीमेटली पहुंच गए बस वही है हाँ वही तो पहुंच गए बस वही है अभी तक हमें तो लगा ही नहीं था कि पहुंचेंगे आज ढाई घंटा लेट से ट्रेन चल रहा है अरे आराम से चलिए देखिए ट्रेन भी बहुत अच्छी तरह से खुल गया है स्पीड से जा रहा है ट्रेन यहाँ पे जो है वो इंग्लिश ये यहाँ का बहुत बड़ा जंक्शन है रामपुर हाट जंक्शन ये पीछे पीछे चल रहा है क्या बताऊँ मैं अभी देखिए पहला डिश दिखा रहा हूँ ये एग्जिट ये रामपुर हाट जंक्शन का एग्जिट है ये एग्जिट पॉइंट है भाई एग्जिट पॉइंट जाने से पहले कुछ ये देखिए यहाँ पे मीटिंग चल रहा है कहाँ जाएगा क्या करेगा कुछ पता नहीं अभी हम लोग होटल जा रहे हैं होटल तो अभी होटल जाएंगे हम लोग होटल में जाके हम लोग कार नाम कैसे आर एम मुखर्जी मिस्टर मुखर्जी मिस्टर मुखर्जी एम आर मुखर्जी यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग तो नहीं दिख रहा है मुझे इधर में नेशनल फ्लैग तो मुझे दिख नहीं रहा है भाई पर कोई ना दो दो रिक्शा लेके चलो अरे नहीं यार पागल है तो खेलना है स्टेशन से निकलने के बाद देखिए यहाँ से निकलने के बाद ये रास्ता यहीं तक जाता है तो यू विल हैव टू हमको इसी रास्ते से आगे जाना है मंदिर तक जाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा शायद वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा है দেখেন এই আমাদের নতুন ড্রাইভার আজকে এখানে চলে এসেছে আমাদের মেইন ড্রাইভার হলো দাদা যদি চালাবে আমাদের গাড়িটা যদি যদি কেউ কত নাম্বার চব্বিশ বাইশ দাদা বলছে দেখুন কি নাম আপনার উকিল শেখ যদি কেউ আপনারা যদি আসুন এখানে আসে অটো অটো স্ট্যান্ড চলে আসবেন উকিল শেখ বলে কোচ করে এখানে আসবেন চব্বিশ বাইশ নাম্বার দেখুন বলে হচ্ছে
ये हाथ में लेके देखो, ये हो होटल साथी। ये होटेले हमरा एक दिन छिलाम। ये होटल मेन रोडे एकदम सामने होटल लेरिका देखते हैं। होटल लेरिका जस्ट ऑपोजिट है ये होटल का, उल्टो साइड ये होटल। ये होटेले देखो कार पार्किंग वहाँ से, जो भी कार पार्क गाड़ी नहीं आते चाहे अपना गाड़ी नहीं आते पारें। বিল ক্লিয়ার করছে দেখুন আমাদের ফ্রেন্ডরা। এটা হলো হোটেল সাথী। তো ফ্রেন্ডস, তো স্টেশন সে রামপুরহাট তক হাম হোটেল মে আ চুকে হ্যাঁ। তো এ ভিডিও এসেই বহুত লম্বা হো রা তো মে ইসকা পার্ট টু মে আপকো দিখাউঙ্গা আগে রামপুরহাট মা তারাপীঠ মে ক্যা ক্যা হ্যায় দেখনে কো ক্যা মিলতা হ্যায়। और वापस गुवाहाटी वक्त जाते हुए भी जो ब्लॉग बनाया है हमने वो भी आपको पार्ट टू में आ जाएगा, जो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो क्लिप एंजॉय करते रहिए और ये मेरे चैनल को क्वांटम ब्लॉग एंड अनबॉक्सिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइए प्लीज़। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो देखते रहिए, मैं पार्ट टू जल्द ही आ रहा है, तो पार्ट टू में आपका आगे का आप सब देख पाएंगे। IRCTC के साथ क्या हुआ, खाने में ऑर्डर करने के बाद क्या आता है देख लेंगे आप सब। Okay, thank you for watching.